महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद नगर पंचायत कर्मचारी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष विश्वनाथ घुगे को राका पार्टी के कर्मचारी सेल में पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे के हस्ताक्षर युक्त पत्र के माध्यम से नियुक्त किया गया है। विश्वनाथ घुगे को अजीत दादा पवार ने राष्ट्रवादी पार्टी कार्यालय में चयन पत्र दिया था। घुगे इन्होंने 10 से 12 वर्षों तक नगर परिषद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। उनके द्वारा कर्मचारी संगठन में कर्मचारियों के लिए किए गए कार्यों और उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए एनसीपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया। वसमत विधानसभा विधायक राजूभाई नौकरी, परभनी राकापा जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, हिंगोली राकापा जिला अध्यक्ष बीडी बांकर एवं युवा जिला अध्यक्ष बालाजी घुगे का विशेष सहयोग मिला। पार्टी के विकास के लिए पार्टी लक्ष्य नीति अजीत पवार के नेतृत्व में विधायक राजू भैया नौकरी, प्रताप भैया देशमुख, बीडी बांकर के मार्गदर्शन के अनुसार राज्य के नगर निगम नगर पंचायत के कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे और सभी आम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए भी प्रतिबद्ध होंगे। हिंगोली शहर के लोग और पार्टी के विकास के लिए लोगों और आमतौर पर सभी लोगों की समस्याओं को हल करने का इरादा रखने की जानकारी घुगे ने दी है। एनबीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।